फहद, तुम इतना सारा सामान क्यों ले आए हो? कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रहा हूँ काम से। सोचा कि महनाज की तबीयत खराब है और तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा चीजों के लिए। खैर देख लो, अगर किसी चीज की कमी है तो बता दो, मैं ले आऊंगा। नहीं नहीं, तुम ऑलरेडी इतना सारा सामान ले आए हो, और कुछ नहीं चाहिए। खैर मुझे ये बताओ, तुम लाहौर क्यों जा रहे हो? एक मीटिंग है, बस दुआ करो वो अच्छी हो जाए। बहुत बड़ा टेंडर है, वो मिल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। मेरे लिए क्यों? हमारे लिए क्यों? क्या हम एक नहीं? एमन का क्या हाल है? ठीक है, बस थोड़ी सी उदास है घर से दूर होने की वजह से। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वरना मैं कभी भी उसे बोर्डिंग ना भेजता। तो तुम उसे मेरे पास छोड़ देते ना? हमारे पास पहले कम है परेशानी, एक वो आ जाती तो एक और इजाफा हो जाता उसमें। खैर वैसे भी आगे तुमने ही उसे संभाल लेना सारी। अच्छा मुझे ये बताओ, महनाज की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है अब। और असगर, उसने फिर कोई शोर शराबा तो नहीं किया? असगर का तो कुछ अता पता नहीं है। लेकिन है कहाँ वो? कहीं भी हो, लेकिन फहद मैं उसे घर पे घुसने नहीं दूंगी। देखो मलिया, जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना, उसका शौहर है, इस बात को समझ लो तुम। और जो कुछ भी तुम उसके साथ करोगी, उसका खमियाजा जो है वो महनाज को ही भुगतना पड़ेगा। अब वो आप ही के साथ कुछ करे तो सही, मैं उसका हशर बिगाड़ दूंगी। खैर मैं चलता हूँ, मुझे कुछ पैकिंग करनी है। फहद, अब वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। फहद तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसमें महनाज आपी की जिम्मेदारी आ गई है, और जिसकी वजह से मैं अब शादी नहीं कर सकती। तुम चाहो तो अपने लिए कुछ और सोच सकते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा इंतजार करो, और कब तक इंतजार करोगे? तुम्हारा इंतजार जो ना, मैं अपने और तुम्हारे बुढ़ापे तक कर सकता हूँ। और वैसे भी इंशाल्लाह तब तक तुम्हारी ये जिम्मेदारियां खत्म हो ही जाएंगी, है ना? चलता हूँ, अपना ख्याल रखना।